इंग्रेडिएंट चाहिए पिज़्ज़ा डो के लिए वो आप नोट कर लीजिए। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप आप मैदा ले लें और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है इंस्टेंट ईस्ट लिया है मैंने, ये ले लेना है आपने। 1 टीस्पून शुगर ले लेनी है और 1/2 टीस्पून नमक लेंगे हम, और इसमें है 3 टेबलस्पून ऑयल, जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही ऐड करेंगे। 1 कप मैंने पानी लिया नीम गर्म, लेकिन ये देखें ये 1/2 कप से भी थोड़ा कम है, तो बाकी का पानी ये ले लेना है आपने अलग-अलग। नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इस पानी में हम अब ऐड करेंगे ईस्ट को और शुगर को। देखें और ये मैंने इसे कवर कर दिया 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट बाद मिलते हैं और चेक करेंगे अपने ईस्ट को। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम अपने ईस्ट को चेक करेंगे। ये देखें इस तरह झाग बन गई है, इस तरह तैयार होना चाहिए आपके ईस्ट को जब आप पिज़्ज़ा डो बनाने लगें। तो ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है, तो सिंपल सी रेसिपी है। एक और मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा डो की बहुत ही जल्द। ये देखें तो अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और डो को भूनना शुरू कर देंगे। ये देखें बेकिंग पाउडर है, ये तकरीबन होगा 1 पिंच से भी कम है, तो ये हो गया। नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे हम, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। और अब हम डालेंगे अपना ऑयल, ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून थोड़ा सा ज्यादा है, ये देखें ये हो गया। अब हम ईस्ट वाला पानी डालेंगे, साथ साथ इसे मिक्स भी करते रहेंगे हम। पिज़्ज़ा डो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये सारा डाल दिया मैंने, अब जो पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे गूँद लेंगे, ज़्यादा नरम भी नहीं गूँदनी आपने डो और सख्त भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर में बनाए आप पिज़्ज़ा
पानी तकरीबन बच भी गया है। ये मैंने हाफ कप तकरीबन लिया था सारा पानी, तो ये हो गया। अब इसे हम 8 से 10 मिनट ऐसे पंच करेंगे ताकि हमारी जो डो हो वो अच्छे से तैयार हो जाए, ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। तो 10 मिनट बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, 8 से 10 मिनट हमने इसे पंच किया है। ये देखें, इस तरह होना चाहिए आपकी डो को, इस तरह इस फॉर्म में होना चाहिए। तो एक बाउल लेंगे जिसे मैंने ये देखें अंदर से ब्रश कर दिया है ऑयल से, आपने भी कर लेना है। तो ऑयल वाला हाथ लगाएंगे हम इसे अपनी डो को। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर, ये देखें। और इसे अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हैं, मतलब सर्दी है वहाँ, तो आपने इसे 3 आवर के लिए रखना है, कवर करके रखना है आपने इसे। चाहे तो माइक्रोवेव ओवन में रखें, लेकिन ओवन को चलाना नहीं है आपने जस्ट ऐसे ही रखना है। या कोई और गर्म जगह हो जहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से कवर करके 3 आवर के लिए रख देना। तो 3 आवर के बाद आपकी ये डो तैयार होगी पिज़्ज़ा के लिए। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, तो फिर इसे आप 1.5 आवर के लिए रखेंगे। तो मैं इसे 1 आवर के लिए या 1.5 आवर के लिए रखूंगी और मैं आपको बता दूंगी। और मैं माइक्रोवेव ओवन में रखूंगी, लेकिन मैंने ओवन को चलाना नहीं है, जस्ट इसे रखना है। तो मिलते हैं 1.5 आवर के बाद। ये हमारी पिज्जा डो तैयार हो चुकी है। तकरीबन 1.5 आवर के लिए मैंने रखा था, ये देखें। तो ये अब रेडी है, ये देखें हमारी डो तकरीबन तैयार है इस तरह, ये देखें। ऐसे होना चाहिए डो को, पिज्जा की डो को। तो अब हम इसे पंच करेंगे और इसमें से हवा निकाल देंगे, इसमें जो एयर बबल बन जाती है वो हमने निकाल देनी है। से और बेलन से हम इसे बेल लेंगे। आप अपने जिस साइज का पिज्जा बनाना है आप बना लें। मैं आपको पैन दिखा दूं, ये पिज्जा पैन लिया मैंने, इसे ग्रीस किया ऑयल से। ये देखें, हमने पिज़्ज़ा की डो तैयार कर ली है। ये देखें।